हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग. सो टुडे आई एम हियर इन वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अवर कंट्री, जो कि अक्सर टीवी चैनल्स और न्यूज़ में रहता है. और इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे ग्रेट लीडर्स दिए हैं और ये अपने राजनीति मुद्दों और एजुकेशन के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी काफ़ी फेमस है. तो आई गेस आप लोगों ने गेस ही कर लिया होगा मैं कहाँ पर हूँ. तो मैं हूँ JNU में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी. तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम ये सारी यूनिवर्सिटी कवर करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है. तो अभी मैं खड़ा हूँ JNU के एक हॉस्टल के सामने, जो कि है ताप्ती हॉस्टल. और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे हॉस्टल के अंदर, और मेस वगैरह बहुत प्यारा है. फूड इज़ वेरी चीप, है ना, फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल. मतलब एक जो इकोनॉमिकली चैलेंज बच्चा है घर से, वो भी यहाँ आराम से रह के पढ़ सकता है. अरे पांडे जी का रूम है. पांडे जी रूम तो चलिए बैचलर अकेले रहते हैं तो अव्यवस्थित ही रहता है, बट बॉयज हॉस्टल के स्टैंडर्ड से वन ऑफ द बेस्ट रूम है. बिल्कुल पांडे जी. अब पांडे जी बिल्कुल अकेले रहते हैं. तो अभी हम बैठे हुए JNU के ताप्ती हॉस्टल के मेस में, और आज ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे. तो पांडे जी ये बताइए कि खाने का अमूमन क्या है, खाना कैसा रहता है हमें इसका? खाना तो अच्छा रहता है यार, हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है, एक बैलेंस डाइट है. हाँ. न्यूट्रिशन के हिसाब से. हाँ हाँ, पूरा बहुत अच्छा रहता है. मेन्यू में चेंज भी रहता है? हर रोज चेंज रहता है ना. अच्छा, और रीजन वाइज ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जितनी इडली डोसा छोले भटूरे. हाँ. चना चूड़ा पोहा. हाँ. एवरीथिंग. और मनी का क्या है पांडे जी, कितना क्या बोलते हैं चार्जेस? अफोर्डेबल है यार, ये मंथली चार्जेस समथिंग 32-3500 ऐसे. अरे इतना तो, इससे ज़्यादा तो बाहर खर्चा हो जाता है. थ्री मील अ डे का. अच्छा, चलिए अभी मेस में ब्रेकफास्ट हो गया है, और हमारे साथ हमारे प्यारे पांडे जी हैं इस समय. पांडे जी तो कहाँ से शुरुआत करेंगे ब्लॉग का? ताप्ती हॉस्टल तो हो गया है. ताप्ती हॉस्टल हो गया पांडे जी, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट था, शानदार. अब आगे चलते हैं हम लोग, ये रिंग रोड दिखाएंगे, बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिखाएंगे, उसका स्कूल्स दिखाएंगे, लाइब्रेरी दिखाएंगे. हाँ हाँ. और बाकी बेसिकली मेन हॉटस्पॉट दिखाएंगे, जहाँ लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं. हाँ. और आज हमारे साथ हमारे दूसरे पांडे जी तो ही हैं, हमारे साथ अतुल भाई भी हैं. अतुल भाई हाय हाय कह दीजिए ब्लॉग में. सर 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 अतुल हम बोलते हैं इनको प्यार से. पंडित जी ये वाला क्या एरिया है यहाँ बगल में? यार ये नॉर्थ ईस्ट ढाबा, ये रात को खुलता है. अच्छा. बंद रहता है. अच्छा, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट 24/7 ढाबा, लेकिन 24/7 खुलता नहीं है. अच्छा. रात को 12 बजे बंद हो जाता है. अच्छा, उससे अच्छा. पहले बंद हो जाता है. ओके, मतलब 12 बजे तक मतलब रहती है यहाँ चहल पहल. हाँ, रहती, काफी रहती है. ये सामने साबरमती ढाबा है आपके. अच्छा, ये वाला जो है. तो पांडे जी क्या, क्या 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 कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, थोड़ा बताइए. जितनी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं. हाँ. लेक्चर्स होते हैं, कोई अगर मोटिवेशन स्पीकर आदर, मतलब पॉलिटिकल सेंस में. हाँ, हाँ. कोई आया, जैसे लेफ्ट विंग का कोई भी लीडर आके बोलना चाह रहा है, तो सब यहीं आते हैं, यहीं जमावड़ा लगता है, बैठते हैं, छात्र यहीं सुनते हैं. आप लोग के सामने है ये टी पॉइंट है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जिसको सब ज़्यादा पहचाना जाता है. इट इज़ द हॉट काइंड ऑफ हॉट स्पॉट. यहाँ सारे प्रोटेस्ट तम्बू में यहीं गाड़ के लड़के JNU से बैठ जाते हैं. और यही टी पॉइंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एडम की तरफ जाता है, ये हॉस्टल की तरफ जाता है, और वो ये जी क्या बस सर्विस वगैरह भी है क्या अंदर? हाँ, मतलब दो बसें 615-621. हाँ. इनकी सर्विस JNU कैंपस के अंदर तक है. हाँ. मतलब इनका जो सर्विस है थोड़ा लेट है, घंटे दो घंटे, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, कभी भी आती जाती है. हाँ. लेकिन हाँ, बस चलती है. अच्छा, JNU आना हो तो कौन सा मेट्रो स्टेशन सबसे करीब? मुनिरका आइए. हाँ. मुनिरका से आप 615 बस पकड़िए. हाँ. और फिर डायरेक्ट JNU कैंपस के अंदर आ जाइए. हाँ. अगर बस लेट आ रही है या फिर नहीं मिल पा रही है. हाँ. उसके बाद एक ऑटो चलती है, 40-50 रुपये लेते हैं. हाँ. या फिर रैपिडो उबर कुछ भी कर लीजिए, बहुत दूर नहीं है, अफोर्डेबल है. पांडे जी सीनरी तो बहुत प्यारी है यहाँ पे, देखिए पूरा ये रास्ता इधर. हाँ, जा रहा ये है, ये रास्ता टी पॉइंट चला जाता है. हाँ, हाँ. और ये पूरी की पूरी जो आप रोड देख रहे हैं ये. हाँ. ऐसे गई है ये वाली. हाँ. ये पूरी एक सर्कल ले लेती है, ये रिंग रोड कहलाता है. अच्छा. और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल सेंटर, जितना भी एजुकेशन का काम होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी एंड ऑल, एवरीथिंग इज सिचुएटेड मतलब इसी के बीच में. अच्छा, यहीं पे. हाँ, इसी के बीच में सारे सब कुछ. अच्छा, दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है पांडे जी, मुझे लगता है कि यहाँ इतनी हरियाली है, इट इज थोड़ा सा कंट्रोल प्लेस ऑफ दिल्ली. हाँ. और यहाँ ठंडी भी आप महसूस कर रहे होंगे, करोल बाग में ठंडी कम थी, यहाँ की ठंडी ज्यादा. बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी. तो ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है, और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है क्या पांडे जी? हाँ, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जस्ट सीधे इनके. हाँ. नेहरू जी की प्रतिमा बनी हुई है. अच्छा, तो ये वो फेमस नेहरू जी की प्रतिमा है, और इसी के जस्ट सामने देखिये JNU प्रशासन, इसकी मेन अडम ब्लॉक है पांडे जी. पूरा वाइस चांसलर साहिबा इसी में बैठे हैं, इस सेल के अंदर. इट्स
नो एंट्रीज हूँ यहाँ पे, काम के अलावा यहाँ तफरी काटने की कोई वो नहीं है। हाँ। और इस बिल्डिंग के 100 मीटर्स के अंदर ये वसंत कुंज SHO का ऑर्डर है, सॉरी दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के विद इन 100 मीटर्स पूरा रेडियस ले लिया जाए, उसके अंदर नो प्रोटेस्ट इज अलाउड। अच्छा, पहले यहाँ पे होता था, गैदरिंग होती थी, इसी सीढ़ी पर लेक्चर्स होते थे प्रोफेसर्स के, स्टूडेंट लीडर्स के। हाँ। लेकिन अब ये सब बंद है। एक बात मैं बताना यहाँ मतलब नोट कराना चाहूँगा कि आप लोग कन्हैया कुमार के बारे में सुने होंगे, तो कन्हैया कुमार ने अपने मतलब जब वो स्टूडेंट लीडर थे वो बहुत सारी स्पीचेस उन्होंने यहीं से दी। अच्छा। और बेसिकली 16 फरवरी का जो कांड हुआ था, जो जितनी भी सारी उस समय हुई थी, तो ये वन ऑफ द प्राइम हॉटस्पॉट था सारे इवेंट्स का, यहीं पे वो सब होता। दीपिका पादुकोण जी यहीं आई थी, और उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, सुरा भास्कर की माता जी तो कैंपस में रहती हैं। अच्छा, यहीं रहती हैं अंदर। पांडे जी, पूरे कैंपस में इस तरह के शॉर्टकट्स हैं क्या? हाँ, एक रिंग रोड पूरा तो आदमी घूमेगा नहीं, बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाता है। तो रिंग रोड के बीच में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं। अच्छा। और आपको इस तरह शेड्स हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ पे आप बैठिए, देखिए चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं, पठन पाठन करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन जी यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे पत्थर है, इसका क्या है मतलब कि पत्थर भी बड़ी खूबसूरती को बना रहे हैं। ये जब JNU बनाया गया था तो यहाँ की बेसिकली JNU अरावली हिल्स के एट द एंड में सिचुएटेड, मतलब एक्सटेंशन है अरावली हिल्स का। यहाँ पे जब ये बनाया जा रहा था तो आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर जो भी थे यहाँ के, तो उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा कि यहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। तो मतलब मिनिमम डिस्टर्बेंस पॉलिसी थी, सिर्फ जहाँ से सड़क जा रही है बस वहीं सड़क जाएगी, बाकी पत्थर, बाकी जितने पेड़ पौधे वनस्पति इकोसिस्टम है पूरा प्रिजर्व किया जाए। Now here you will see what the JNU is. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं देखेंगे, इसकी दीवारें देखिए। अच्छा। Everywhere there are, ये जो शब्द लिखे हैं मात्र शब्द नहीं है, ये विचार है, विचारधारा है। हाँ। और इसके लिए लोग खड़े होते हैं। देखिए fraternity, where is Najib? Najib एक स्टूडेंट था, वो गायब हो गया था। Still he is not found. 6 years have passed. तो ये स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह जितने स्कूल्स हैं सबकी बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे इसी तरह के थाट्स, अभी तो इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो आपको पोस्टर्स नहीं दिखते। पांडे जी, JNU आके वो कहावत सही लगती है कि दीवारें बोलती हैं। बोलती हैं भाई, लिटरली बोलती हैं। हाँ, बच्चों से ज्यादा मतलब दीवारें उनके विचार बताती हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये लगभग 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, मतलब इससे बड़ी लाइब्रेरी एशिया में नहीं थी, अब तो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट देन ऑल्सो यहाँ पे दुनिया भर की जितनी लिटरेचर्स हैं रिनाउंड, जितने मिले नहीं जा सकते, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर इट इज अवेलेबल इन दिस। आइए चलिए इसको पास से देखते हैं। हाँ, ये 24 ओपन है, लाइब्रेरी ऊपर की बंद हो जाती है, लेकिन जो जनरल रीडिंग हॉल्स हैं 24/7 एक्सेसिबल है। अभी साफ सफाई के समय एक घंटे के लिए इसको वो कर दिया जाता है, पैकेट कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पे आप आइए, दिन रात पढ़िए, नो टेंशन। देखिए ये दीवारें देखिए, अभी मैं वहाँ स्कूल ऑफ बायोटेक में बात कर रहा था, ये सीधा दर्शाती हैं कि आप हमें मार सकते हैं हमारे विचारों को नहीं। ये देखिए, ये है JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी। ये मेन एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस है यहाँ का। बाकी आज संडे है, अभी बच्चे आएंगे। हाँ, जगह मिल जाती है पांडे? जगह नहीं मिलती यार, ये बहुत इशू है। अगर आप 10-11 बजे तक आ गए देन इट्स ऑल योर्स, आप बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे वैसे पढ़ने की कमी नहीं है, सेंट्रल लाइब्रेरी में जगह नहीं मिली, नो इशू। जितने स्कूल्स हैं वहाँ की अपनी लाइब्रेरी है, जितने सेंटर्स वहाँ की अपनी लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स मतलब ओपन में आपको दिखाया मैं, कैनोपी वगैरह बनी हुई है, चार्जिंग पॉइंट, मतलब इस यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि बच्चे कम है, पढ़ने की जगह ज़्यादा। आपको बता दें कि पांडे जी ने भी जैसे कहा स्कूल्स मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट फैकल्टीज, हाँ फैकल्टी डिपार्टमेंट, यहाँ इनको स्कूल बोला जाता है। हाँ, यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था, जब इसको JNU बनाया जा रहा था तो इसको एज अ रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा था, तो जो मतलब एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल हायरार्की थी उसको फॉलो नहीं किया गया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऐसे नहीं। यहाँ जितना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अलाइनमेंट उसको कर इंक्लूसिव कर किया जा सकता था उतना किया गया, जैसे देर इज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ पे देर आर सेंटर्स ऑफ सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जहाँ IR और इकोनॉमी को जोड़ा जाता है। पंडित जी बताइए, ये जो न्यूज चैनल है ना TV में दिखाया जाता है JNU के बारे में, एक लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है कि यहाँ बच्चे जाते हैं, JNU whites are anti-national। यस, बिल्कुल गलत बात है, कोई anti-national, ये देर इज अ नैरेटिव बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ एंटी नेशनल्स पढ़ते हैं, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पठन पाठन के लिए आते हैं, विद्या अर्जित करने आते हैं, यहाँ कोई लड़ने नहीं आता है, बल्कि पढ़ेगा वही तो समाज की बात करेगा, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा। और यहाँ के बच्चों का ये मानना है, मैं बता दूँ, यहाँ बच्चों का ये मानना है कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने। वाह पांडे जी, बहुत सही बोला आपने। तो ऐसा नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी, ये बहुत ही गंदा नैरेटिव प्रेजेंट किया गया है हमारे कंट्री के सामने कि JNU whites are anti-national, which is wrong, very very wrong। नहीं है, पर आदमी जब अच्छा खासा पढ़ाई कर लेता है तो
तो फिर उसे कुछ गलत दिखता है तो वो क्वेश्चन जरूर उठाता है। ये यूनिवर्सिटी की एक यही तो मतलब एक यूएसपी है कि इट टीचर्स यू हाउ टू क्वेश्चन दी अथॉरिटी, हाउ टू क्वेश्चन दी सोसाइटी, हाउ टू क्वेश्चन द सिस्टम। आपको सवाल पूछना सिखाता है और बहुत लोगों को ये सवाल पसंद नहीं आते हैं, और जिनको पसंद नहीं आते हैं, जिनके पास इन प्रश्नों के जवाब नहीं होते हैं, वही फिर इन प्रश्नों को प्रश्न पूछने वालों को या तो बेड़ियों से कैद कर देते हैं या जेल के कोठरी में डाल देते हैं, कहीं इनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, फिर ये दीवारें बोलती हैं। इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप 150 से 200 रुपये ट्यूशन फीस एनुअल आप यहाँ, और दिल्ली इतनी कॉस्टली सिटी, इतनी कॉस्टली सिटी, यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी बेयर मिनिमम मतलब वो फ्री ही कंसीडर की जा सकती है। बस यहाँ आपका मेस का मेस बिल लगता है जो कि खाना खाने का तो आपको देना भी चाहिए, बाकी आपको रहने का। आपके पीछे क्या है पांडे जी? ये सेंट्रल लाइब्रेरी की कैंटीन है। हाँ। अब बच्चे वहाँ जब बर्न आउट हो जाते हैं पढ़ के, उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो देयर यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। बिल्कुल। यस। और ये पूरी बुक स्टॉल्स हैं, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए तमाम किताबें मिल जाएंगी। हाँ। वो एटीएम। अच्छा, यहाँ अंदर ही एटीएम है। अच्छा, मतलब अब तो खैर यूपीआई का जमाना है। पांडे जी, मेरे को लगता है कैंपस के अंदर सारी सुविधा है, ए टू जेड, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। सारी सुविधा है, बहुत मतलब एक बहुत माइन्यूटली इसको प्लान किया गया था। हाँ। और ये इट वाज वन ऑफ द कंसीडर्ड टू बी अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ दैट टाइम गवर्नमेंट। अच्छा। यस। ये सेंट्रल लाइब्रेरी की कैंटीन है, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ पोस्टर्स व्हिच आर पेस्टेड ऑन द वॉल्स। ये मतलब कहीं की भी कैंटीन जो है वहाँ का एक बेसिक हॉटस्पॉट होता है ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट एंड डिसेंट। यहीं पे वही बच्चे आते हैं, जमावड़ा लगता है एनी गिवन टाइम, जैसे शाम को। आइए हम अंदर के दिखाते हैं। हम लोग अभी SIS जा रहे हैं। ये SIS की बिल्डिंग है, एंड SIS इज वन ऑफ द मोस्ट, इसके लिए JNU बनाया गया था। SIS IR की स्टडी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, IR की स्टडी के लिए ही JNU बनाया गया था बेसिकली। ये है देखिए, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पांडे जी, हर बिल्डिंग में ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, है ना, यहाँ की फर्श भी बता रही है पांडे जी की क्या नेशनल बिल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम। एक एंशियंट इंडिया में एक टैक्स लगता था जिसको मुलाकरण बोलते थे, ब्रिज टैक्स। वहाँ पे जो गरीब तबके की वो महिलाएं होती थी, सामाजिक के नीचे तबके की महिलाएं, उनको मतलब टैक्स देना पड़ता था टू कवर देयर ब्रिज। सो देयर वाज अ वुमेन नेम नांगेली, तो ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, और उसने वहाँ के जो डोमिनेंट क्लास थी उसने अपना देख रहे होंगे उसने अपना ब्रेस्ट काट के उनको दे दिया था कि आई एम नॉट पे टैक्स, रादर आई विल कट देम। तो दिस शोज द आइडियोलॉजी, दिस शोज द रिवॉल्यूशन। सी देयर द भगत सिंह, देयर इज अ रिटन दैट रिवॉल्यूशन इज एन इनएलिएबल राइट ऑफ मैनकाइंड। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पिरिट दैट वी शुड आल्सो। ये अभी आगे से जो हम देखे थे वो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 1 था, ये नई बिल्डिंग है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज 2, और ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है। और बेसिकली आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है। यहाँ पे बेसिकली JNU इज मेड फॉर सोशल साइंसेस। यहाँ पे आपको सोशल साइंसेस में जितना भी, जिस हाईएस्ट लेवल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू कैन हियर ओनली। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, बट आई कैन नेम देम। जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे JNU में बैचलर्स अंडर ग्रेजुएशन जो है वो सिर्फ लैंग्वेजेस में होता है। तो अगर आप चाहें पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएशन करना तो वो नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ मास्टर्स होता है वहाँ से। और ये लैंग्वेजेस में भी आपको जर्मन, विदेशी जितनी जर्मन, पश्तो, पर्शियन, और ये आपको फ्रेंच, ये सारी इंग्लिश जितनी लैंग्वेजेस है सब आपको पढ़ाई जाती हैं। और उसके बाद मास्टर्स में आपको मल्टीडिसिप्लिनरिटी देखने को मिलती है, जैसे पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन IR, पॉलिटिक्स एंड IR का दोनों का ये मिश्रण है। और उसके बाद स्कूल, जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी है, उसके बाद स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज भी है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ भी है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस भी है, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी है, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है। यू कैन सी द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी विच इज़ देयर। ये SIS 2 का मेन एंट्रेंस है, और इसी में बेसिकली बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडी एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम जो इसमें मैं PhD कर रहा हूँ, और सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, बहुत सारे सेंटर्स यहीं पे। और बेसिकली प्रोफेसर्स के ऑफिसेज भी हैं, पर्सनल चैम्बर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, क्लास रूम्स, और यहाँ पे आए दिन कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। आज संडे है इसलिए आपको ये स्पॉट खाली दिख रहा है, अदरवाइज ऑन एनी गिवन वर्किंग डे आपको यहाँ पे किसी भी राजदूत की, एम्बेसडर की ब्लू कलर वाली नेम प्लेट गाड़ी खड़ी दिखी जाएगी, वेदर इट बी नॉर्वेजियन एम्बेसडर और किसी भी देश के राजदूत हो, यहाँ आए रहते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी प्रोफेसर से मिलने, कुछ मीटिंग्स में, मतलब एनी टाइम यहाँ पे 2-3 स्टार ब्लू कलर की नेम प्लेट आपको दिख जाएगी। हैप्पी मैन जैको जो UPSC वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके आर्टिकल शायद इन पढ़ते होंगे द हिंदू में, अमिताभ मट्टू साहब,
परसों नर्सों इनका इंटरनेट में एक्सपीरियंस आया था, आते रहता है यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर्स वो भी लिखते रहते हैं। ये अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोग को मिला हुआ है पढ़ने के लिए, मैं वहीं से बैठ के पढ़ता हूँ। स्पेशली हम ही लोग के लिए प्रोवाइडेड है, एनर्जी स्टडीज़ प्रोग्राम का ऑफिस है लेकिन वो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ बैठ। ये हम लोग इस समय एनर्जी स्टडीज़ में दो बंदे PhD कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए स्पेशल प्रोवाइड किया गया है कि आप यहाँ पे बैठिए, आइए और पढ़िए। जैसे ये हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, हम सेंट्रल लाइब्रेरी बैठना चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ नहीं बैठ रहे हैं कहीं और बैठना चाह रहे हैं वहाँ बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ भी बैठ सकते हैं। ये हमारी टेबल्स हैं, यहाँ दो ही लोग हैं, इतना बड़ा रूम है, हम दो ही लोग पढ़ने वाले हैं। जो मैं बोल रहा था पढ़ने की जगह कमी नहीं है। ये अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज, SL इन शॉर्ट SL। ये बेसिकली स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी है, यहाँ पे सारे जितने भी लैंग्वेजेस है, जर्मन, पर्शियन, पश्तो, फ्रेंच और भी जापनीज, सब की कैटलॉगिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ ऑल इंक्लूडिंग ऑल द स्कूल्स, जितनी भी है वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से इसको अरेंज किया गया, आप लोगों ने बाकी यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि देयर इज अ गैप विच इज देयर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, मतलब वहाँ पे प्रोफेसर्स चैम्बर पे इजिली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, क्लासरूम तक इंट्रैक्शन सीमित हो जाता है। बट देयर इज अ थिंग विच इज डिफरेंट कि यहाँ पे प्रोफेसर जो है, जैसे आपको दिख रहा है बैठने वाला, तो यहाँ पे प्रोफेसर्स आएंगे एनी टाइम इंक्लूडिंग लेट इवनिंग ऑल्सो बिकॉज दे हैव देयर हाउसेज विद इन द कैंपस, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं घर जाना है। तो एक बेसिकली एक काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन होता है बिटवीन स्टूडेंट्स, PhD, मास्टर्स एंड बिटवीन प्रोफेसर्स। नाउ प्रेजेंटिंग बिफोर यू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी सेंटर नोन एज टेफ्लास, ऑल द मीटिंग्स ऑफ JNUSU ऑफिसर्स, ऑल द थिंग्स इज हैपेंस हियर। देयर इज ऑल्सो इंडोर स्टेडियम ऑफ बैडमिंटन, वुडन फ्लोर एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस इज द नंदा हॉस्टल। एक ऑफिस है, बेसिकली कार्यालय है, किसी बच्चे कोई भी तरह की प्रशासन से परेशानी, हॉस्टल में परेशानी, किसी भी तरह की नाना प्रकार की परेशानी होती है, यहाँ बहुत लोग बैठते हैं या फिर वो हॉस्टल्स में भी इजीली एक्सेसिबल स्टूडेंट्स लीडर्स होते हैं। अभी तो खैर विगत वर्षों में 2-3 वर्षों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन इस साल आकलन लगाया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, तो फिर उस समय देखिए यहाँ पे ऐसा वगैरह के पोस्टर्स टंगे हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशंस, डिबेट्स होते हैं, मूवी स्क्रीनिंग होती है हर सैटरडे को। देखिए अगर हम ब्रॉडर टर्म्स में लेफ्ट, राइट एंड सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट डोमिनेंसी है, लेफ्ट पार्टीज इन द सेंस की ISA, AISF, SFI एंड देर आर ऑल्सो सम कास्ट बेस्ड पार्टीज लाइक अबापसा एंड ऑल, और देर आर ऑल्सो सम दीज आर सोशल ग्रुप्स बेसिकली, और देर आर सम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो एक्सट्रीमिटी की बात करते हैं, 100 फ्लावर्स ग्रुप, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और फिर यहाँ पे AVVP नाम का भी एक संघ है जो एक्सट्रीम मतलब एक अलग विचारधारा रखता है, उसे उसकी भी अपनी गतिविधियाँ हैं, अपने काम तौर तरीके हैं। कॉमरेड चंदू के बारे में सभी को पढ़ना चाहिए, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा, आसिफुल्ला खान साहब, प्रताप जी की बनाया गया है ताकि एक्टिविटी होती रहे, और अगर कोई बड़ी गैदरिंग होनी रहती है तो इसको बीच में से हटा के यहाँ पे बड़ी गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। साइड साइड में बालकनी भी बनी हुई है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मतलब एक काफी बड़े बच्चे मतलब 100-200 लोग यहाँ बैठ कर किसी मतलब मीटिंग डिस्कशन कर सकते। कैंपस के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज दी है, SBI का न्यू JNU कैंपस ब्रांच है जस्ट गोदावरी के सामने और पेरियार के पीछे। सारे इधर हॉस्टल्स हैं, कल्स हॉस्टल है, और कैंपस के अंदर ही सारी सुविधा है बच्चों के रहने के लिए। अच्छा ये गोदावरी हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है ये, गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा तो यहाँ कुछ गर्ल्स हॉस्टल है जैसे गोदावरी, कोयना, शिप्रा, ये डेडिकेटेड गर्ल्स हॉस्टल है, बाकी कोएड हॉस्टल्स भी है, जैसे एक विंग गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है, एक विंग बॉयज के लिए। ये इधर दिखाइए, ये कावेरी हॉस्टल है और ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के और स्कूल्स के सबसे पास हॉस्टल जो है यही है। ये डिफरेंशली एबल्ड लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है उनको यहाँ पे, ताकि उनको आने जाने में, कम्यूट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। आइए यहाँ एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? देखिए विगत वर्षों में तो एडमिशन यहाँ पे पहले ये बेसिकली रिसर्च यूनिवर्सिटी थी, PhD के लिए एडमिशन होते थे, फिर इसमें मास्टर्स के भी कोर्सेज स्टार्ट किए गए एंड बैचलर्स के भी। तो
बैचलर्स के पहले एमसीक्यू बेस्ड होते थे और मास्टर्स के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते थे एंड पीएचडी के भी सब्जेक्टिव होते थे और पीएचडी में फिर एक इंटरव्यू होता था रिसर्च प्रपोजल बेसिस पर। लेकिन पिछले 2019 से क्या हुआ कि एनटीए ने एग्जाम प्रोसेस टेक ओवर कर लिया। अब बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए एंड पीएचडी के लिए एंट्रेंस होते हैं एमसीक्यू बेस्ड और फिर पीएचडी वालों के लिए एक वाइवा वॉस होता है जो कि रिसर्च प्रपोजल पर बेस्ड होता है। उस पे आपको नंबर्स मिलते हैं, देयर इज अ सर्टेन वेटेज ऑफ, मुझे लगता है 70-30 का रेशियो है, 70 रिटर्न एंड 30 इंटरव्यू। और फिर एक जेआरएफ कैटेगरी से भी वो होता है, एडमिशन होता है पीएचडी के लिए। और यहाँ पे अब जो है वो सीयूईटी एक होता है, तो जेएनयू ने भी सीयूईटी में एनरोल ले लिया है। तो अब जेएनयू में भी एडमिशन बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए सीयूईटी से होता है और पीएचडी के लिए जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एनटीए कराती है। ये आप लोग जो देख रहे हैं इस समय हम लोग पार्थ सारथी रॉक्स में बैठे हुए हैं, इसको जेएनयू में पीएसआर भी बोलते हैं। बेसिकली ये दिल्ली का नेचुरली हाईएस्ट स्पॉट है, इससे ज़्यादा नेचुरल हाईएस्ट पॉइंट कहीं नहीं। आप यहाँ का सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं, हाउ मच पीसफुल दिस इज। और यहाँ आने के लिए हमें ट्रैक करना पड़ता है, देख सकते हैं हम लोग थक गए हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। बेसिकली वो इंडियन फ्लैग से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ जो दिख रहा है वो पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस है। देखिए वो जितनी लाल बिल्डिंग आपको चारों तरफ दिख रही है, ये सारा दूर तक फैला हुआ है, सब जेएनयू है। तो जगनेश भैया यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे अमूमन? यहाँ पे बच्चे टाइम पास करते हैं। कैसे यहाँ पे बेसिकली कपल्स वगैरह और बेसिकली बर्थडे पार्टीज हो गई, केक कटिंग हो गया, बाकी कोई भी अगर मतलब परेशान है, मोह माया से दूर जाना है नेचर स्लैप में, तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट इन जेएनयू दैट यू कैन थिंक ऑफ। वही, और दिल्ली में इतना पोल्यूशन है और ऐसी जगह होना, पोल्यूशन लेवल आप देख सकते हैं कितना कुहासा है, 12 o'clock इन द नून एंड देन आल्सो यू कैन सी हाउ मच फॉग। वही, और यहां पे देखिए कितनी क्लियरिटी है, और बरसात में तो ये अलग ही लगता होगा। बरसात भाई, दिस इज द अमेजिंग ब्यूटी हेवन है ये बरसात में। हमने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कन्वेंशन सेंटर ऑफ जेएनयू। यहाँ पे बेसिकली जितने बड़े बड़े आप यहाँ पे ऑडिटोरियम्स बने हैं, ऑडी हॉल्स बने हुए हैं, कमिटी रूम्स बने हुए हैं, और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कोई भी बड़ा लीडर आता है, जैसे कोई मिनिस्टर आया तो उसकी लेक्चर यहाँ पे, एड्रेसिंग वहाँ पे यहीं पे होती है। अभी मनोज तिवारी लोग आए थे, या फिर बेसिकली कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो यहीं पे होता है। यू कैन सी द वास्टनेस ऑफ। आइए आप लोग को कन्वेंशन सेंटर के अंदर ले चलते हैं। पांडे जी, इसके अंदर कितने ऑडिटोरियम हैं? बेसिकली चार बड़े बड़े हॉल्स हैं मेरे ख्याल से, इस तरह छोटे छोटे रूम बहुत सारे बने हुए हैं, कमिटी रूम है ना, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है पांडे जी इसकी कैपेसिटी होगी कम से कम 150-200, 200 है ना, 200 प्लस होगी। गजब का ऑडिटोरियम है भाई, ऊपर एसी, बट हमारे स्कूल से बढ़िया। यहाँ पे संगीत उंगीत भी करते हैं क्या पांडे जी? यस यस सर, अभी देखिए महाभारत की कहानी, विज्ञान की जवानी, अभी फंक्शन होता है। जेएनयू में सबसे बेसिक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है बस, या फिर अंदर अगर घूमना है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है तो आप ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पहले सब्सिडाइज्ड रेट पर इलेक्ट्रिक वो थ्री व्हीलर्स चलते थे, तो नहीं होते इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, लेकिन कोरोना काल में बंद हो गया, उसके बाद से चालू ही नहीं हुआ, तो बात चल रही है प्रशासन में इसको सब्सिडाइज्ड रेट पर वो कैंपस के लिए। वो देखो बस आ रही है, ये बस तब नहीं आएगी जब हमको जरूरत पड़ेगी, वैसे दिन भर घूमते रहे। शाम का समय है, काफी ठंडा मौसम है और जेएनयू शाम को और चमकता है। तो देखिए जेएनयू में हर टाइप का स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज देयर। ये देखिए यहाँ पे तोपती हॉस्टल है, इसी तरह हर हॉस्टल के पास में अपना अपना ग्राउंड है। यहाँ पे देखिए बैडमिंटन कोर्ट भी है, और ये रहे अपने प्यारे पांडे जी। तो बस अभी बास्केटबॉल खेल के आए हैं और शाम का समय हो गया है, डिनर का टाइम, तो चलिए अभी डिनर करेंगे और फिर डिनर के बाद आपको जेएनयू की नाइट लाइफ दिखाएंगे। तो राइट नाउ वी आर सिटिंग इन जेएनयू ताप्ती हॉस्टल मेस, और ये देखिए यहाँ का फूड है, ये हमारे पांडे जी होस्ट बने हुए हैं और हमें सबको खाना खिला रहे हैं। पांडे कैसा है खाना भाई? जबरदस्त। कितने ही में से सबका यही मॉडल है क्या? खाना खाया,
पांडे जी बताएंगे कैसी नाइट लाइफ है पांडे जी यहाँ की। भाई यहाँ जो लाइफ है नाइट में है, दिन उनमें कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा क्या होता है पांडे जी रात को? देखिए यही होता है बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, दिन में सोते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं खुले मायने में बताइए आप कुछ। अरे आप हरी रात पढ़ाई कीजिएगा तो भूख प्यास लगेगी। अच्छा। उसके लिए ढाबे खुले हैं 24/7 आपकी सेवा में। तो देखिए यही है गंगा ढाबा। पांडे जी यहाँ का ये माहौल 12 महीने रहता है रात का, जे एनयू यही है भाई। अच्छा सारा जे एनयू यहाँ आके अपना भजन भोजन करता है। हाँ हाँ यही है जो मेरे को लगता है। मतलब कैसे पांडे जी ये अलग बना देता है गंगा ढाबा को, वो भी रात को? ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि रात को गंगा ढाबा यहाँ पे बन जाता है? भाई आदमी दिन भर पठन पाठन करने के बाद भोजन की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सब कॉफी से लेके चाय से लेके दुनिया भर का मटेरियल मिलता है, आप आइए लीजिए फिर जाके पढ़िए। अच्छा और बाकी यहाँ चर्चाएं भी होती हैं, लोग बैठ कर जैसे आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं। यहाँ बेसिकली देखेंगे टेबल ओबल कुछ नहीं है, ये पत्थर रखे हुए हैं, ये सीमेंट के स्लैब्स रखे हुए हैं, सब बैठते हैं। पांडे जी दिन में खुलता है? दिन में खुलता है कि नहीं? नहीं दिन में तो बंद रहता है, रात को ये सेवाएं सिर्फ रात को दी जाती है। अच्छा पांडे जी मैं सुना हूँ यहाँ पे राजनीतिक चर्चाएं बच्चे करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आप बोलिएगा तो सुना भी देंगे, उधर सब कर ही रहे हैं, लड़ भी जाते हैं। अच्छा, लेकिन काफी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है यहाँ पे, देख सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशन भी एक काफी कंस्ट्रक्टिव लाइन पर होता है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कम से कम 100 से 150 लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोला ना रात का जेएनयू यही है। तो फिर ये बच्चे फिर कितने बजे सोएंगे अनुमान से? रात को सुबह सोएंगे 5-6 बजे। उठेंगे कितने? उठेंगे अपना लंच टाइम पे 1-2 बजे। अच्छा, फिर वहाँ से उनका दिन शुरू होगा। उनका दिन शुरू होगा, जाएंगे पढ़ेंगे फिर रात को यहीं आ जाएंगे। अच्छा पांडे जी ये बताइए क्या क्या मिलता है खाने को यहाँ आपको? स्नैक्स में और बेवरेजेस में और बाकी जूस में हर चीज मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे लोग वो खाते हैं, पन मक्खन खा लेते हैं। अच्छा अच्छा बहुत फेमस है क्या? कॉफी बाकी। पांडे जी से आप चाउमीन अभी खा रहे हैं इस समय? चाउमीन यहाँ लोग उतना नहीं खाते हैं, लोग खा रहे हैं क्योंकि टेस्ट बदला। आगे दिखाइए कैसे खाते हैं। मान हमको चौमिन खाते नहीं आता है। तो मतलब कुल टोटल बोला जाए तो जेएनयू में भोजन की कोई समस्या नहीं? यहाँ पे हर स्कूल्स में, यहाँ पे बेसिकली फैकल्टी को स्कूल मान लीजिए, हर स्कूल में कैंटीन है और पूरे कैंपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ढाबा है। हर हॉस्टल में अपने हर हॉस्टल के बाहर ढाबा है और बाकी कोई सब होता रहता है। बढ़िया कोई खाने में कोई। ये जो सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं वो उनके लिए अलॉटेड है, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये 3 मॉल्स हैं। ये दिल्ली का वन ऑफ दी अल्ट्रा लग्जरी मॉल, वो भी डीएलएफ का। वो लास्ट में वो दिख रहा है डीएलएफ प्रोमिनेट, उसके सेकंड बीच में। और ये तीनों कनेक्टिविटी अंदर अंदर भी है। ये एम्बियंस मॉल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन दिल्ली। और ये वसंत कुंज है और जस्ट बगल में आपको देख सकते हैं जेएनयू। वो मेरे हॉस्टल से लगभग 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। मतलब यहाँ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फायदा है, है ना, शॉपिंग वगैरह अगर जिसको करना हो तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, कैंपस से निकले और अरे दुनिया भर का सामान मिलता है भाई। आई होप आप लोगों को मैंने जो जेएनयू दिखाया है आप इंजॉय करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन दी है पांडे जी ने वो आपको हेल्प करेगी यहाँ जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।